पाठन वेस्ट बंगाल बोर्ड गणित क्लास 7 बना कर देखिए 2.1 पेज नंबर 26 सवाल नंबर 6 बोला समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना होगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री, ये दोनों बराबर है इसलिए एक कोण भी 45 हो जाएगा और एक कोण भी 45। अब तीनों कोणों का नाम लिख देते हैं, पहले ए बी सी, तो कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी क्या हो जाएगा, 45 अनुपात 90 अनुपात 45। काटेंगे 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 45 एकम 45, 1:2:1। अच्छा इसको लिख देंगे समकोण सम द्विबाहु त्रिभुज सात नंबर सवाल क्या है, समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण तीनों भुजा बराबर होता है इसलिए तीनों कोण बराबर होता है। तीनों कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ लिखेंगे सम बाहु, नाम ले देते हैं ए बी सी, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात। यहाँ भी लिखना था समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, उसके बाद इसको लिखना था, इसी तरह लिख दिए समबाहु त्रिभुज तीनों कोणों का अनुपात, कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी, तीनों का मान कितना है, 60 60 60। काटेंगे एक एक एक, तो 1:1:1। 8 नंबर सवाल, पुलक बाबू और मानिक बाबू की उम्र का अनुपात 7:9 है, मानिक बाबू की उम्र 72 वर्ष है तो पुलक बाबू की उम्र बताओ। 8 नंबर लिख लेते हैं, पहले जो दिया हुआ है पुलक बाबू अनुपात मानिक बाबू कितना है, 7:9। इस वक्त क्या दिया हुआ है, मानिक बाबू की उम्र, मानिक बाबू की उम्र कितना दिया हुआ है, 72 वर्ष। अब सवाल बनाएंगे, पुलक बाबू की उम्र अनुपात मानिक बाबू की उम्र बराबर कितना है, 7:9। पुलक बाबू की उम्र पता नहीं है तो इसको लिख देंगे, अच्छा भट्टा में कर देते हैं सबसे पहले, लिख देंगे पुलक बाबू भट्टा में क्या होगा, मानिक बाबू बराबर 7:9। मानिक बाबू की उम्र कितना दिया है, 72, यहाँ लिख सकते हैं पुलक बाबू नीचे क्या हो जाएगा, 72 बराबर 7:9, तो पुलक बाबू बराबर क्या हो जाएगा, 7:9 नीचे है तो गुना हो जाएगा, 72 8 9 8 है 72
सात आठ है 56 वर्ष, ठीक है। नौ नंबर सवाल बोला है दो पुस्तकों का अनुपात, दो पुस्तकों के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 2:5। प्रथम पुस्तक का मूल्य 32.40 रुपया है तो दूसरी पुस्तक का मूल्य बताओ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहली पुस्तक अनुपात दूसरी पुस्तक बराबर कितना दिया हुआ है 2:5। फिर पहली पुस्तक का मूल्य बताया है, पहली पुस्तक का मूल्य कितना है 32.40 रुपया। उसी तरह बनाएंगे फिर पहली पुस्तक अनुपात दूसरी पुस्तक बराबर 2:5 बटा में लिखेंगे पहली पुस्तक, ये दोनों मूल्य का अनुपात है खाले, यहाँ दूसरी पुस्तक बराबर 2:5। पहली पुस्तक दूसरी पुस्तक क्या हो जाएगा, दाम लिख देंगे। अच्छा एक मिनट, दूसरी पुस्तक का दाम पूछा है ना, तो दूसरी पुस्तक पहली का दाम बताया है 32.40 बराबर 2:5। अब क्या करेंगे, इसको उलट देंगे तो ऊपर दूसरी पुस्तक हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 32.40 बराबर 5/2। अब जैसे पहला सवाल बनाए थे 8वां, उसी तरह इसका गुना कर देंगे तो हो जाएगा दूसरी पुस्तक बराबर 5×32.40/2, 2 से काटेंगे 16.20 गुना करेंगे 0 15.01 16×5=80 81। तो दूसरी पुस्तक का दाम कितना है 81.00 मतलब 81 रुपया। 10वां सवाल, एक वृत्त की परिधि का व्यास, परिधि तथा व्यास का अनुपात 22:7 है तो उस वृत्त की व्यास की लंबाई 2 मीटर 1 डेसीमीटर हो है तो उस वृत्त की परिधि बताओ। 10 नंबर, व्यास बराबर 2 मीटर 1 डेसीमीटर, तो मीटर को डेसी में बदल लेंगे पहले सबको पूरा को लंबाई को, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर बराबर 20 डेसीमीटर प्लस 1 21 डेसीमीटर। व्यास पता चल गया 21 डेसीमीटर, अनुपात क्या बोला है परिधि अनुपात व्यास बराबर कितना दिया हुआ है 22:7, इसको लिखेंगे परिधि 22:7। व्यास कितना है 21, तो यहाँ लिख देंगे परिधि 21 22:7, परिधि बराबर हो जाएगा 22:7 गुने 21 गुना कर देंगे 7×21 3 से गुना करेंगे 3×6 66 डेसी मीटर।
और इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 मीटर 6 डेसीमीटर। अब आ जाते हैं 11 नंबर सवाल में। 11 नंबर सवाल क्या है, हमारे समस्त सप्तम श्रेणी में 150 छात्रों में से 90 छात्र तथा छठवीं श्रेणी के 180 छात्र में से 80 छात्र चित्रांकन प्रतियोगिता में नाम दिए हैं, अनुपात के द्वारा दिखलाओ कि किस श्रेणी में प्रतियोगिता किस श्रेणी के प्रतियोगी अधिक हैं। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले सप्तम श्रेणी के छात्र प्रतियोगी और छात्रों का अनुपात निकालते हैं। सप्तम श्रेणी के छात्र कितने हैं, 150। प्रतियोगी कितने हैं, 90। इसलिए यहाँ लिख देते हैं सप्तम श्रेणी का क्या है, छात्र अनुपात प्रतियोगी। छात्र हैं 150, प्रतियोगी हैं 90। काटेंगे पाँच अनुपात 3, तो सस्त उल्टा लिख दिया इसको, प्रतियोगी के आगे लिखना है, छात्रों को बाद में लिखना है। एक मिनट इसको फिर से बना देते हैं। प्रतियोगी को आगे लिखना है और लिख देंगे सप्तम, वैसे भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्रतियोगी अनुपात छात्र, कुल छात्र बराबर कितना हो जाएगा, 90 अनुपात 150। बराबर काटेंगे 30 थी 90, 30 5 150, तो 3 अनुपात 5। इसी तरह यहाँ लिखेंगे छठवीं श्रेणी छात्र कितने हैं, छात्र हैं 180। आप प्रतियोगी कितने हैं, प्रतियोगी हैं 80। तो इसके बाद लिखेंगे जैसे सप्तम श्रेणी का निकाले उसी तरह छठवीं श्रेणी का निकालेंगे, छठवीं श्रेणी प्रतियोगी अनुपात कुल छात्र तो हो जाएगा 80 अनुपात 180, 1010 कटा, 2 4 8, 2 9 18, 4 अनुपात 9। अब हमें पता लगाना है कि सप्तम श्रेणी के छात्र अधिक 3/5 जो आया, 3 अनुपात 5 जो आया सप्तम श्रेणी के, तो उसके प्रतियोगी ज़्यादा हैं अनुपात के हिसाब से या छठवीं श्रेणी के प्रतियोगी ज़्यादा हैं अनुपात के हिसाब से। इसको कैसे करेंगे, दोनों में तुलना करेंगे, लेकिन इसलिए दोनों में तुलना करने पर कैसे तुलना करेंगे, 3 अनुपात 5 और यहाँ लिखेंगे 4 अनुपात 9, तो 3/5 4/9। अब दोनों भिन्नों में पता लगा देंगे, जो भिन्न अधिक होगा वो जो भिन्न बड़ा होगा उसके प्रतियोगी और छात्र के अनुपात अधिक होगा। तो सबसे बड़ा निकालेंगे, क्या करते हैं लसा पर लेंगे तो आ जाएगा 45 नौतिया 27, ये सतवा है ये छठवा है, तो मतलब छठवा ये सतवा और छठवा 5 6 20। तो किस श्रेणी के ज़्यादा होगा, 27 वाला ज़्यादा है इसलिए सातवीं श्रेणी या सप्तम श्रेणी के प्रतियोगी अधिक हैं।